खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के बरेला में कांग्रेस ने बढ़े हुए बिजली के बिलों का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जबलपुर में निराकरण की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बरेला के तत्वाधान में बरेला विद्युत मंडल का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि किसी भी कीमत पर यह अन्याय बर्दाश्त करने लायक नहीं है। सरकार विश्वासघात कर रही है। बिल अदा न करने की स्थिति में भी किसी भी उपभोक्ता पर विद्युत कनेक्शन ना काटा जाए तथा बढ़े हुए बिजली बिल पूर्णतः माफ होने चाहिए, अन्यथा वृहद आंदोलन होगा। ज्ञापन पुलिस की उपस्थिति में विद्युत मंडल के AE सक्सेना को सौंपा गया। विद्युत मंडल के द्वारा कोरोना काल का अनैतिक रूप से आम जनता से बिल वसूल किया जा रहा है। 2020 में शिवराज सिंह सरकार ने बिल माफ कर दिया था, लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि छोटे छोटे गरीब, दलित, आदिवासी, मजदूर, उनका बिल भी 12,000, 15,000, 20,000 रुपये का आ रहा है। सोचने की बात है कि ऐसा गरीब आदमी एक साथ इतना बिल कैसे जमा करेगा। क्या पूरे प्रदेश को अंधकार में बनाना चाहते हैं? क्या पूरे प्रदेश को अंधेरे में झोंकना चाहते हैं? शिवराज सिंह जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते चेत जाएं, और यदि नहीं चेते तो बृहद आंदोलन किया जाएगा और MPV का घेराव करके इन बिलों को माफ कराया जाएगा। अरविंद तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष, बरेला। कांग्रेस पार्टी बरेला परिक्षेत्र में विद्युत मंडल के द्वारा अनाप शनाप वसूली को लेकर आज बरेला कांग्रेस कमेटी के सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए। आम जनमानस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पिछले कोरोना का काल में जो सरकारों ने लोगों को ललचाकर ये कहने की कोशिश की थी कि हम आपका कोरोना काल में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, इसलिए हम आपका बिल माफ़ कर रहे हैं, और आज माफ़ी का उल्टा मतलब निकाला जा रहा है कि हम बाद में वसूल रहे हैं। माफ़ का मतलब होता है कि दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो फिर ये किस तरह का माफ़ शिवराज सिंह सरकार ने जो कैसा माफ़ किया था आम जनता का बिल को कि जो दोबारा वसूली की जा रही है? लोगों के घरों के बिल जिनके 200-200 रुपये आते हैं वो माफ़ किए हुए बिलों के नाम पर, वो मेरा ख्याल है कोई 3,000, कोई 4,000, कोई 5,000, इस तरह की वसूली की जा रही है। अन्य खेतों में किसानों के 3 हॉर्स पावर के अगर लगे हुए हैं, मशीनें लगी हैं, पंप लगे हैं, तो 5 HP के उनके मुकदमे बनाए जा रहे हैं। किसानों के साथ, आम जनता के साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ ये सरकार बर्बरता और अत्याचार का व्यवहार कर रही है। हम आज सब लोग इकट्ठे होकर सरकार की इस नीति का विरोध करने आए हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं बिल अगर अनाप शनाप आएगा बिल नहीं भरेंगे। मैं आम जनता से भी कहता हूँ, अनाप शनाप बिल हैं, गलत बिल हैं, तो आप बिल मत भरिए। एक भी कनेक्शन अगर कटेगा तो सारे के सारे करें यहाँ MPP के ऑफिसों में ताले लगा देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपको ये जो बिल ले रहे हो आप ये बात लिख कर दें कि आप कोरोना काल का बिल ले रहे हैं, किसी तरह का मेंशन आपने बिलों में नहीं किया है, ताकि जनता को पता लगे कि आप माफ़ की चीज़ें वापस लेते हैं। आपकी नीति, आपकी करनी और आपकी कथनी दोनों स्पष्ट हो सके। मैं सम्मति सैनी, महामंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जबलपुर से आशीष पात्र की रिपोर्ट।